नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बजट शुरू हो चुका है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अपना भाषण शुरू कर चुकी हैं, लगभग 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और मार्केट का हाल देखें तो बाजार में थोड़ी सी नेगेटिविटी छाते हुए दिख रही है, बट मैं इसे पूरी तरीके से अवॉइड करूंगा क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा लाल निशान में फिसल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन आगे वाली वीडियोस में। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूं, अगर मेरे पास अगर कोई हेडलाइन हो तो वो यही है, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने न जाने कितनी वीडियोस शेयर करी कि इस बार सरकार का बड़ा फोकस किसान गरीब ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होगा और आपके साथ मैंने बकायदा पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करी थी स्टॉक्स की, एग्रोकेमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रो की, मतलब वहीं पे आप देखो क्या तेजी बन रही है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा था कि गवर्नमेंट बड़े फोकस में रख सकती है सी फूड को वापस से, तो काफी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई सी फूड के स्टॉक्स को प्लीज शेयर कीजिए। आपके साथ हमने शेयर करे थे एपेक्स फ्रोजन, कोस्टल कॉर्प, जहां पे बाकी दो कंपनियां तो काफी छोटी लग रही थी मेरे को, कोस्टल कॉर्पोरेशन और एपेक्स, बाकी एक और थी भाई जील एक्वा करके, एपेक्स फ्रोजन 8% रैली कर रहा है, इनफैक्ट 8% तो 7% तो अभी ऊपर है। जिस समय मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी सैटरडे को, तब ये स्टॉक 230 रुपीज के समथिंग था, 30 या 38, अभी 270 हो रहा है। कोस्टल कॉर्प की बात करें, अगर ये तीन स्टॉक डिस्कस करे थे इस सेगमेंट से, बाकी मेरे को छोटे मार्केट कैप पे लगी तो मैंने अवॉइड करने को बोल दिया था, लेकिन कोस्टल कॉर्प 6% ऊपर है 292 पे। जी लेक्वा सी फूड स्टॉक धमाका कर रहे हैं, हमारी पकड़ पूरी तरीके से ठीक निकली, पहली अपडेट तो यही बन रही है, 4.5% ऊपर है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, आप कावेरी सीड के स्टॉक पे नजर डालिए, 960 कंटिन्यू वीडियोस बनाई थी, खरीदारी की राय दी थी, आज ये शेयर आपके लिए 1050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1100 रुपए का हाई लगाया है इस स्टॉक ने, लगभग 10% की रैली कर रहा है। केवल कावेरी सीड ही नहीं है, जितने भी ये आपके फर्टिलाइज एग्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं शानदार तूफानी तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं। तो सरकार शुरुआती स्पीच में ही क्लियर कर रही है कि उनका फोकस इस बार ग्रामीण क्षेत्र पे है, जो हमारी क्लियर कट थीम थी। मैं कुछ बड़ी बातें अभी तक की बताना चाहूं अगर आपको, तो फाइनेंस मिनिस्टर सेज अनाउंसेस टू पैकेज ऑन 5 स्कीम्स, इंडिया पैकेज ऑफ 2 ट्रिलियन रुपीज, 2 लाख करोड़ का। फाइनेंस मिनिस्टर सेज टू अलोकेट 2 ट्रिलियन रुपीज फॉर जॉब क्रिएशन ओवर 5 ईयर, तो नौकरियां दी जाएंगी 2 लाख करोड़ रुपए जॉब क्रिएशन के लिए सरकार ने अलोकेट करे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो सकती है। जो नौकरियों की मारामारी दिख रही है, जो अगर अपोजिशन पे एक सबसे बड़ा टारगेट रहता है तो वो यही रहता है कि भैया नौकरियां ही नहीं है देश में, तो 2 लाख करोड़ का खर्चा अलोकेट करने जा रही है सरकार नौकरियों के लिए अगले 5 साल में। आप इस 2 लाख को अगर 540,000 रुपए प्रति ईयर हो गया, आप ये काउंट कर लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर टू फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, तो भैया ऐसा नहीं केवल रूरल, अर्बन डेवलपमेंट पे भी फोकस है। फाइनेंस मिनिस्टर सेज प्लांट्स 109 न्यू हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज, तो भैया यहीं से खेल होता है असली शुरू आपका। फाइनेंस मिनिस्टर सेज 10 मिलियन फार्मर्स विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग, तो फार्मर्स पे बड़ा फोकस है जो कंटिन्यू थीम थी। फाइनेंस मिनिस्टर सेज क्लस्टर फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन टू बी डेवलप, तो ये सब्जियों के लिए कुछ नई स्कीमें लाई जाएंगी, नई तरीके लाए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर सेज इंडिया आई सेल्फ रिलायंस इन आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स, देखो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये सारी अपडेट कंटिन्यू चलेंगी और बाजार इन पर रिएक्ट करेगा, लेकिन हमें सिर्फ समझनी है, अभी करना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि खरीदना है तुरंत, नहीं, अभी केवल वेट एंड वॉच। बाजार देखो आप 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे तुरंत तुरंत कर रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप लाल निशान में फिसल रहा है, मार्केट ब्रेथ 1:1 हो रही है, तो अभी केवल आप समझिए, चीजों को देखिए, लेकिन जो चीज बाजार दिखा रहा है अभी तक वो ये दिखा रहा है कि सरकार का किसानों की तरफ और आपका ग्रामीण क्षेत्र की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस है, और इसीलिए एफएमसीजी इंडेक्स में धमाका हो रहा है, 1% की रैली बन रही है। डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं, आईटीसी में बढ़िया तेजी है, पीएनजी हाइजीन में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, टाटा कंज्यूमर बढ़िया कर रहा है, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, कोलगेट, यूपीएल बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़िया तेजी बन रही है इन स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स को आप रडार पे रख लीजिए। अभी टॉप गेनर की लिस्ट में बोरोसिल, इजमाइट्रिप, सुजलॉन, राजेश एक्सपोर्ट,
अवंती फीड का स्टॉक रैली करता हुआ दिख रहा है, वहीं गिरावट आपके लिए वेदांता, वेदांता को लेकर काफी कमेंट्स हैं क्योंकि कल मैंने इसमें बाइंग की सजेशन के बारे में बात करी थी। आज ये शेयर लगभग गैप डाउन खुला 3% करीब, अभी 4.25% नीचे, काफी कमेंट्स हैं क्यों गिरा है। इस पे भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि क्यों गिरा है और क्या करना है क्या नहीं करना है। चैनल के साथ बने रहिएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।